ये बर्फ की बस्ती है। यहां कुदरती आफात, जानलेवा बीमारियां और बेपनाह मुश्किलें रहती हैं। मनफी दर्जे हरारत के इस बर्फ सार को सिर्फ मुस्बत इरादे फतह कर सकते हैं। यहां चारों तरफ एक जमूत है, इसलिए जिंदगी ज्यादा मुतहर्रिक नहीं हो पाती। बस कभी कभार एक हलचल नजर आती है और शायद ये इस बर्फ गदे की एक तफरी भी है, क्योंकि यहां तफरी के मौके मिलते नहीं, ईजाद किए जाते हैं। ग्यारी सतह समंदर से 3,775 मीटर बुलंद सियाचिन की नहायत अहम पाकिस्तानी बेस, जहां से अगले इलाकों तक रसद और तरसील को मुमकिन बनाया जाता है। 7 अप्रैल 2012 का सूरज ये सब इतना अचानक था कि जिंदगी को मौत की साजिश की खबर ना हो सकी। दुनिया भर से इमदादी टीमें पाकिस्तान पहुंच गई और मलबे तले दबे वतन के इन फर्जंदों की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज हो गया। दुनिया भर के माहिरीन तकरीबन इस अमर को नामुमकिन करार दे चुके थे। हर शख्स के दिल में एक ही जज्बा था कि कहीं जिंदगी का कोई एक सिरा हाथ आ जाए, किसी की डूबती नब्स रफ्तार पकड़े, कितने मासूम बच्चों की निगाहें अपने वालिद के इंतजार में घर की चौखट पर बैठी रहती। और दादा अपने पोते पोतियों के मासूम सवालों के जवाब में नम आंखों के किनारे साफ करते रहते। सुबह शाम ये बच्चा कहते, मेरा अबा की तरह इसको अभी ये मासूम को मां दुला कर। ग्यारी के बर्फ के मलबे पर कितनी माओं की दुआएं दिन रात पहरा देती। शहीद इंसान हुसैन है जो मेरा खूबसूरत शर्मो जो यार तो सर अरमान पूरी बीवियां अपने सुहाग की मौजजाती वापसी के लिए हम वक्त दुआगो थी। शहीद निसार हुसैनी बेवा इंजू हम वाले जरन पिंजू हमेशा की आता ने हमला शी सोसे मर गए जिंदगी जी रहा है। वक्त का पहिया घूम रहा था और किसी भी किस्म की कामयाबी के आसार नजर नहीं आ रहे, मगर पाक फौज का आज़म बुलंद तर था। पर अफवाज पाकिस्तान की लुगत में कुछ नामुमकिन नहीं था। We are making all efforts
we'll continue to make all efforts. Whether it takes 10 days or 10 months or if it takes 3 years, we're not going to give up this. If we have to dig out this mountain, we'll dig it out. Chief of Army Staff General Ashfaq Parvez Kiani in imdadi karawaiyon ki safe awwal se rehnumai ke liye khud Giyari pahunch gaye. ये दुनिया में अपनी तर्ज का वाहिद ऑपरेशन था जिसमें मनफी दर्जे हरारत में मौसम की खराबी और मजीद बर्फबारी के बावजूद इमदादी कार्रवाइयां दिन रात जारी थी. आखिर 50वां दिन अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहली कामयाबी अता फरमाई जो कि हम अपने एक बाइक को निकालने में कामयाब हुए. एक साल की मुतवातिर कोशिश और लगन के नतीजे में तमाम जसद खाकी उनके लवाहिकीन के हवाले करके तमाम तरफ फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए. Allah.